प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज माय न्यू टॉपिक इज हैज और हैव। हैज और हैव ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका मतलब होता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। जब आप ये बताते हैं तो आप वहां पे हैज और हैव का यूज करते हैं। अब किस सेंटेंस में और कैसे हैज और हैव का यूज करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट प्लीज कीजिए। सो हैज का यूज कहाँ करते हैं? हैज का यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन में। जब भी आपका सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी नाम है तो वहां पे आप हैज का यूज करेंगे। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन में है दैट मीन्स आई वी यू दे तो वहां पे आप हैव का यूज करेंगे। मैंने हैज और हैव से कुछ सेंटेंस बनाए हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हैज और हैव का यूज कैसे किया जाता है। पहले हम हैज से रिलेटेड सेंटेंस आपको बताएंगे। ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर ड्रेस है। रवि हैज बॉट अ कार, रवि ने कार खरीदी है। सीमा हैज अ कैट, सीमा के पास एक बिल्ली है। His uncle has a two cows. उसके अंकल के पास दो गायें हैं। यानी कि जब भी आपके पास क्या है क्या नहीं है, जब भी आप ये बताते हैं तो वहां आप has और have का यूज करते हैं। Has का यूज होता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन हमारे होते हैं he, she, it. नेक्स्ट हमारा आता है have. I have an idea, मेरे पास एक सुझाव है। We have sold our house, हमने अपना घर बेच दिया है। You have an apple for eating, तुम्हारे पास खाने के लिए सेब है। दे हैव अ प्रॉब्लम विद मी, उन्हें मुझसे परेशानी है। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। वही इनके पास क्या है क्या नहीं है, जब भी आप ये बात बताते हैं तो वहां आप हैज और हैव का यूज करते हैं। और हैज और हैव के साथ जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वहां आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से आप हैज और हैव को चूज करेंगे। हैज आता है सिंगुलर नाउन, हैव आता है प्लूरल नाउन। हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं ही शी इट और आई वी यू दे, ये हमारे प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन जब भी है उसमें आप हैव को यूज करेंगे और सिंगुलर नाउन है तो आप हैज का यूज करेंगे और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये हमेशा हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। सो जब भी आप हैज और हैव से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका हैज और हैव से सेंटेंस बन जाएगा। फिर से मैं आपको बताऊंगी हैज और हैव का मतलब होता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। जब आप वो बात बताते हैं तो आप हैज और हैव का यूज करते हैं। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। अब इसे कुछ नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे हैज और हैव से वो मैं आपको बताती हूँ। सो जब भी आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हैज और हैव से और अगर आप बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो आप नॉट को हमेशा हैव के बाद लगाएंगे, हैज और हैव के बाद नॉट को लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी बाद में आपका पोजेशन दिख रहा है तो वहां पे आप नॉट हैज और हैव से पहले लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी बाद में पोजेशन है तो वहां पे आप नॉट से पहले डू और डज का यूज करेंगे। आप डज सिंगुलर नाउन के साथ और डू प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे और फिर आपका चाहे सब्जेक्ट ही शी है या आई वी यू दे है वहां पे आपका हैव आएगा अगर आपकी बात पोजेशन में है। सो जब भी आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और आप कोई बात नेगेटिव बोल रहे हैं तो आप हैज और हैव के बाद नॉट लगाएंगे। लेकिन अगर आप पोजेसिंग टाइम में बात बता रहे हैं तो वहां पे आप हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे और आपका जो नॉट होगा हैव से पहले आएगा और उससे पहले डू और डज, डू डज उसके बाद नॉट और उसके बाद हैव, फिर आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर हैज को आप यूज नहीं करेंगे, डू और डज को यूज करेंगे, डू डज आप सिंगुलर और प्लूरल बेस पे करेंगे। मैं इसे कुछ सेंटेंस बना के दिखाती हूँ, नेगेटिव सेंटेंस, वो आपको और इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप प्रेजेंट में किसी बात के बारे में बोल रहे हैं कि आपके पास वो नहीं है, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में नहीं है, तो आप वहां पे हैज और हैव के साथ नॉट लगाएंगे। आई हैव नो पेन फॉर राइटिंग, मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है। शी हैज नो फ्रेंड्स, उसके पास दोस्त नहीं है। रवि हैज नो बेड फॉर स्लीपिंग, रवि के पास सोने के लिए बेड नहीं है। वी हैव नो पेरेंट्स, हमारे पास माता पिता नहीं है। एंड यू हैव नो हाउस, तुम्हारे पास घर नहीं है।
ये जो भी चीजें आप नेगेटिव में आपने बनाई, ये सब प्रेजेंट के बारे में बता रहे हो। जब आप प्रेजेंट के बारे में बता रहे हो कि आपके पास क्या नहीं है, बता रहे हो कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में क्या नहीं है, तब आप हैव और हैज के साथ नॉट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पोजेशन की बात करते हैं, पोजेशन की बात होती है, तो वहां पे आप डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। जब आपकी बात पोजेशन में होती है तो आप हैज हैव को यूज ना करके डज और डू को यूज करते हैं। लेकिन आप डज और डू के बाद हैव का यूज करेंगे बट हैज का यूज नहीं करेंगे। माने पोजेशन के भी जो सेंटेंस बनाए हैं वो प्रेजेंट के ही से ही बनाए हैं। आप जैसे देखिए, प्रेजेंट में था आई हैव नो पेन फॉर राइटिंग, प्रेजेंट टाइम में मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए। और अगर आपकी बात जब पोजेशन में हो जाती है, आई डोंट हैव अ पेन फॉर राइटिंग, कि मेरे पास पेन है ही नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं है और है भी नहीं। प्रेजेंट में था शी हैज नो फ्रेंड्स, उसके पास प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स नहीं है, मे बी आगे हो सकते हैं। शी डजेंट हैव फ्रेंड्स, उसके पास दोस्त है ही नहीं। रवि हैज नो बेड फॉर स्लीपिंग, प्रेजेंट टाइम में उसके पास बेड नहीं है, बट उसके पास है ही नहीं, मतलब जो पोजेशन, मतलब जो चीज आपके पास है ही नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं है और है भी नहीं है, तो वो पोजेशन होता है। रवि डजेंट हैव बेड फॉर स्लीपिंग। वी हैव नो पेरेंट्स, वी डोंट हैव पेरेंट्स। यू हैव नो हाउस, यू डोंट हैव अ हाउस। तो जब आप सिर्फ प्रेजेंट टाइम में, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है लेकिन वो आपके पास अवेलेबल है बट प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो आप हैव नॉट और हैज नॉट का यूज करेंगे। लेकिन जब आपके पास वो चीज ना प्रेजेंट में है ना पास्ट में है, वो है ही नहीं, पोजेशन में है, तो आप वहां पे डजंट और डोंट का, दैट मींस डज नॉट और डू नॉट का यूज। जब भी आपका सेंटेंस पोजेशन में होता है तो आप डज नॉट और डू नॉट का यूज करते हैं, तो उसके साथ हमेशा आपका हैव आता है, हैज नहीं आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि डज और डू ये सिंगुलर प्लूरल के बेस पे आप इनको यूज करेंगे, बाकी इनके साथ हमेशा आप हैव का यूज करेंगे। सो इस तरह से आप हैज और हैव से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप नेगेटिव में हैज नॉट हैव नॉट, और अगर आपका सेंटेंस पोजेशन में है तो डू नॉट हैव और डज नॉट हैव का यूज करेंगे। If you like this video, so please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button. Don't forget to subscribe.